न मना रहे। आज अध्यात्म में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, और दूसरा कुछ लोगों ने कहा कि दीवाणी में दोष है उसका निवारण क्या है और क्या है चरम रोग के नुस्खे, इस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले आज के पंचांग की चर्चा करते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2067 फाल्गुन मास की 18 परवेश थी, शक संवत 1932 फाल्गुन 11 तदनुसार बुधवार 2 मार्च सन 2011। बात करें श्रवण नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में, आज का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। ये मेरी सलाह, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, वे लोग जो चरम रोग से पीड़ित है, जिन्हें स्किन की कोई प्रॉब्लम है और दवा काम नहीं करी, डॉक्टर बीमारी समझ में नहीं आ रहा, तो राहुकाल के दौरान हरा पालक अपने ऊपर से 7 बार उतारो, श्रद्धा अनुसार हरा पालक अपने ऊपर से 7 बार उतारो, चौराहे पर क्या आ जाओ, लाभ मिलेगा। नमन, और बात करते आज की यात्रा। आज उत्तर पूर्व दिशा की यात्रा करना कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और अनुकूल नजर नहीं आया है। आज यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबा तो यात्रा पे निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएंगे। नमन, और बात करते प्रातकालीन लगन की। प्रातकालीन कौन लगन, लगन में सूर्य मंगल और बुध बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र मकर राशि में, राहु धनु राशि में, शनि कन्या राशि में, केतु मिथुन राशि में, यह ग्रहों का भ्रमण काल और भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरु मंत्र। संसार और अध्यात्म कहना क्या है, संसार और क्या है आध्यात्म, इन दोनों में फर्क क्या है, मात्र इतना जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, इसलिए अविश्वास बना के और अध्यात्म का जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है, इसलिए विश्वास के द्वार खुले रखो। विश्वास के द्वार खुला रखना बहुत, भरोसा सिर्फ परमात्मा नहीं इस बात पर भी होना चाहिए कि आदमी के मन को बदलने में वक्त नहीं लगता है। मन आप पर सर्व सवार है, ये संसार है, और आप मन पे सवार है, ये अध्यात्म है, और जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए हंस की वृत्ति अपनाना बहुत जरूरी है। हंस की बहुत सुंदर 3 विशेषताएं देखी मैंने, वो भूमि पर दौड़ सकता है, वो जल में तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। मानुष वो है जो इंसान की तरह भूमि पे चले, मछली की तरह पानी में रहे, पक्षी आकाश में रहे, और इसके बावजूद भी न तो जमीन से चिपके, न जल से लिपटे, न आकाश में भटके, उसकी वाणी सिर्फ वाणी ही नहीं अपितु आकाशवाणी बन जाए, ऐसा संत और ऐसा मनुष्य जीवन में शकुन और शांति से जी पाता है, जो कहीं भी लिपाई मान नहीं है, सब जगह रहते हुए सबसे अलग है, ये वृत्ति जो अपना देता है वो जीवन में सदा सुखी रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज क्या है, हम भी ऐसे हो सकते, मेरा विश्वास करो, यदि आपको अपने साथ जोड़ दिया जाए या आपको अपनी स्वयं की जानकारी हो जाए तो आप भी हंस बन जाए। और एक बात राष्ट्र और कहना चाहता हूं, हरियाली हमारी जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए, चारों ओर हरियालापन होना बहुत जरूरी है, मन और मस्तिष्क में और बाहरी वातावरण को भी हरा भरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ शहरों के फेफड़े हैं, इतना ही नहीं वे पानी को रोकने की अहम भूमिका निभाते हैं, और इन पेड़ों से हरियाली फैलती है, और हरियाली से संपूर्ण जीवन लहलाता रहता है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है वृक्षों की कटाई, यदि एक वृक्ष कहीं गलती से कट जाता उस जगह 10 लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम पछताएंगे। देश के हर नागरिक को हर साल कम से कम 1-2-5 पौधे जरूर लगाना चाहिए, और जैसे हम अपनी संतान की देखभाल करते हैं इन पौधों की देखभाल भी जरूर होनी चाहिए। इस दम घुटते वातावरण में कौन है ऐसा जो हमें चैन की सांस लौटाता, और वो कोई है तो खाली वृक्ष है, इसलिए वृक्ष लगाना बहुत है। पेड़ों की तरफ ध्यान देना, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कुछ बातें हैं जो मेरी अपनाओ। देखिए मेरा अध्यात्म दुनिया से अलग है, मैं जीवन की बात करता हूं, जीवन के आनंद की बात करता हूं, जीवन के साथ जुड़ने की बात करता हूं, यह है मेरा अध्यात्म। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जो मनुष्य जो व्यक्ति पर्यावरण पर ध्यान दे देता है तो बहुत सुकून और चैन से जीता है, इसलिए जब भी मौका मिलते हैं
आप अपने वृक्ष लगाओ, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। रमन है, तो बात करते आज के राज। मेष राशि, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा और पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। चल और अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। नमोनाथ। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए आज समय थोड़ा सा मध्यम है। लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कामकाज में खुद को ध्यान देना होगा। वैसे किए गए लाभ के अनुकूल फल मिलेंगे और आवश्यक कार्य और खर्चों की पूर्ति होती रहेगी, लेकिन मन में आलस्य और निष्क्रियता के भाव रहे तो नुकसान भी होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना बहुत जरूरी है। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रहगर्भ की स्थिति अनुकूल और लाभदायक। व्यवसाय संबंधी मसले सुलझ जाएंगे। धन लाभ की स्थिति होगी और दाम्पत्य सुख और सहयोग बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेगा। आज मनोनुकूल स्थानांतरण भी होगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, थोड़ा सा ध्यान देना। लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, धन हानि की संभावना, अवसरों से वाद विवाद और आज चिकित्सा पे भी खर्चा हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा मध्यम है। छोटा सा उपाय, दही का दान देके देखिए, आज बहुत अनुकूल है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को दही का दान दीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चित्त प्रसन्न, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। चल और अचल संपत्ति का लाभ और घर गृहस्थी का सुख भी बढ़ेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। सामाजिक कार्य करने को शुभ अवसर मिलेगा और यात्रा का लाभ भी प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे। आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, मानसिक तनाव है थोड़ा सा, घरेलू परेशान से चिंतित रहेंगे। लाभ मार्ग में रुकावट है, धन की कमी है और वाहन आदि प्रयोग में भी आज सावधानी बरतनी होगी। सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक गोचर थोड़ा सा सावधानी का है। छोटा सा उपाय, घर में घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप कर भगवान शिव के शिवलिंग पर सुगंधित श्वेत पुष्प अर्पित करना कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल। व्यवसायिक क्षेत्र में सुधार और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नए टेंडर ऑर्डर की प्राप्ति होगी। धन कोष में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग और सत्कार्य का लाभ और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, आज कार्य स्थिति में थोड़ा सा विलंब है, धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। मित्रों और भाई बंधु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज दैनिक दिनचर्या अव्यस्त रहेगी। थोड़ा सा गोचर मध्यम, पूंजी निवेश से बचे, रिश्तों में सावधानी रखें और वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। छोटा सा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शक गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय आपके अनुकूल है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। पूंजी निवेश में विशेष रूप से लाभ होगा। किसी सरकारी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। धन की कमी दूर होगी। मानसिक प्रसन्नता और प्रिय वस्तु का लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिसे के घर योगायोग है, मानसिक उलझन और परेशानी नजर आ रही है। आपके मन में अहम और ईर्ष्या के भाव रहने से आज आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे। शुभ कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और संभवतः आज पूंजी निवेश से बचे तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल। तकनीकी क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और धन संपत्ति का लाभ भी होगा। नमन। और बात करते हैं आज के उपाय। यदि आपकी वाणी में दोष है, कहना कुछ जाता है निकल कुछ जाता है, आपकी आवाज लड़खड़ाती हो, शरीर कांपने लगता हो, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन हाथा जोड़ी, ये वनस्पति जड़ होती है, हाथा जोड़ी लाकर पंचामृत गंगा जी से पवित्र करके अपनी पूजा में शुद्ध लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित कर ले। श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें। पांच माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजे, ओम काल रात्रि देवी नमः, इस मंत्र की जाप करें। तस्पर सिंदूर की डिब्बी में इस जड़ को रख दें। संपूर्ण वाणी समेत दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते आज के लिए। यदि चरम रोग है तो सुबह शाम मोगरे के 8-10 पत्तों को पीसकर रोगग्रस्त स्थान पर लेप कर दीजिए, आराम मिल जाएगा। चरम रोग में नींबू का रस लगाने या नींबू को पानी में निचोड़ धोने से चरम रोग से छुटकारा मिलता है। प्रातःकाल नियमित रूप 1 गिलास पानी में 1 नींबू काटकर निचोड़कर पीने से चरम रोग से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत नुस्खा, कभी खाली नहीं गया, अपना के देखिए आपको लाभ मिलेगा। नमन। आज इतना है, कल के लिए कैसी हो दरिद्रता का नाश। यदि कोई शारीरिक कष्ट है तो कैसे उसे छुटकारा मिलेगा। संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कैसे मैं आपको शेयर करूंगा ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ
यदि पेट में दर्द है तो क्या है उसका नुस्खा, ये भी बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।